हेलो गाइस, क्या आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है विंडो अपडेट की? ये विंडो 10 में इस तरह दिखाई देता है, विंडो 8 में किसी और तरह दिखाई देता है, ठीक है, विंडो 7 में ये सब को प्रॉब्लम में आज हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सर्च में जाते हैं, विंडो 7 में भी आप यहाँ से जा सकते हो, विंडो 8, विंडो 10 सब पे ये काम करेगा, ठीक है, एक जैसा सेटिंग है सबका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विंडो अपडेट, यहाँ पर नीचे आ जाइए, विंडो अपडेट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर मैं कुछ और आ गया, विंडो अपडेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आ जाइए, ये दूसरा नंबर पर है चेंज सेटिंग। यहाँ पर देख लीजिए, हमने इसे सेलेक्ट किया है कि इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली रिकमेंड, ठीक है। तो हम इसे कह रहा है कि हमारा जो अपडेट है, जो भी नया अपडेट आता है, वो ऑटोमेटिकली आप लोग इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेवर चेक फॉर अपडेट, ठीक है, यहाँ पर गिव मी रिकमेंड अपडेट, इस पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी इसे माइनिमाइजिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ओके चिकन फॉर अपडेट, ठीक है गाइस। तो ये क्या होगा कि आपका अपडेट ऑप्शन जो है वो ऑफ होगा, ठीक है। जब भी अपना सिस्टम आप खोलेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, खुदा हाफिज़।